नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं श्वेता शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन। उत्तर नागपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष नीलेश खोबरागड़े के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने निकाला मशाल मार्च। प्रकाश जावड़ेकर ने शिवसेना की आलोचना की, कहा मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल कर जीते शिवसेना नेता और शिवसेना आप कर रही बीजेपी से गद्दारी। और अग्निपथ योजना के तहत स्वाभिमानी किसान संगठन ने की केंद्र सरकार को योजना रद्द करने की मांग, कहा युवकों के साथ हो रहा अन्याय। विस्तार से नागपुर के इंदौरा चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया। ईडी ने भारतीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता राहुल गांधी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल राउत के आदेश पर और उत्तर नागपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष नीलेश खोबरागड़े के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने आज मशाल मार्च निकाला गया। नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल मार्च निकाला और पुतला जलाकर सरकार के खिलाफ रास्ते पर उतरकर जोरदार आंदोलन किया गया। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर राहुल गांधी के समर्थन में और भाजपा के नेतृत्व वाली ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया गया। नीलेश खोबरागड़े ने कहा कि अगर ऐसा ही आगे शुरू रहेगा तो हम अपना आंदोलन दिल्ली तक लेकर जाएंगे, हमारे नेता को तकलीफ देंगे तो हम इससे बड़ा आंदोलन देश के हर शहर हर इलाके में करेंगे, ऐसी चेतावनी दी है और इस सभी का जिम्मेदार भाजपा को ठहराया जाएगा, ऐसा कहा है। साथ ही अग्निपथ योजना के खिलाफ भी अपनी प्रतिक्रिया दी, कहा कि युवाओं के विरुद्ध में हो रही सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय कांग्रेस के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। आज ये जो मोर्चा है, आज ये मोर्चा हमने, ये जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार जो ईडी को आदेश देके हमारे नेता सोनिया जी गांधी और राहुल गांधी के ऊपर जो ये बार बार ईडी से टॉर्चर करवा रहे और रोज बुला रहे, हम ये इसलिए हम लोग आज रस्ते पर उतरे हुए हैं। और इससे ज्यादा अगर ये ऐसे कंटिन्यू हमको हमारे नेताओं को अगर तकलीफ देते रहेंगे तो हम इससे उग्र आंदोलन करेंगे। और हम अभी उत्तर नागपुर में किया है, अभी यहां से उत्तर नागपुर से दिल्ली तक की हमारी तैयारी है और यहां हम आंदोलन हर एरिया में, हर शहर में और हम दिल्ली तक के इसको लेके जाएंगे। आज हम लोग मशाल मोर्चा लेके गए थे, ये जो गूंगी बहरी सरकार है इनको जगाने के लिए, ये जो अंधेरे में है इनको उजाला देने के लिए हमें आज मशाल मोर्चा लेके गए थे। और ये जो आज जो भाजपा सरकार जो काम कर रही है, ये जो अग्निपथ लाया है अभी युवाओं के विरुद्ध, ये सारी चीजें युवाओं के विरुद्ध में हो रही है। आज पुतला भी जलाया बोलो, ये एक छोटा सा पहल था हमारा, ये तो हमने भी पुतला जलाया, आगे हम और बहुत से चीजें कर सकते हैं और हम करेंगे आगे का और विरोध प्रदर्शन हमारा और ज्यादा बढ़ेगा, हम रस्ते पर उतरेंगे और इसके बाद में जो भी हमसे कुछ होगा इसके सारी जिम्मेदार भाजपा सरकार रहेगी। नागपुर में कुछ युवाओं ने फौज में जाने के जुनून और वर्दी के लिए 18 दिन से पैदल मोर्चा निकाला है। उन्होंने सरकार से निवेदन किया है जल्द से जल्द उनको फौज में शामिल किया जाए और फौज में जाने के उनके सपने को पूरा किया जाए। इस वक्त उन्होंने जो खून न खौले वह पानी है, देश के काम न आए तो बेकार ये जवानी है, ऐसे शब्दों में नारेबाजी भी की। भारत माता की जय।
बाद से बारिश हो रहा है, फिर भी वर्दी की चाहत में फौज में जाने का जुनून है, सड़कों पर भटक रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग दे और हमारे सपना को पूरा करे फौज में जाने का। खून ना खौले, वो खून नहीं वो पानी है, और जो देश के काम ना आए बेकार हो जवानी है। बोल भारत माता के, भारत माता के। बीजेपी नेता सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने पनवेल में पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी की फोटो का इस्तेमाल कर शिवसेना के आदित्य ठाकरे के साथ साथ विधायक और सांसद चुने गए और अब उन्होंने मोदी के विपक्ष से हाथ मिला लिया है। जावड़ेकर ने कहा कि हम महाराष्ट्र के मतदाताओं के साथ विश्वासघात है। बीजेपी नेता सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि चुनाव में जिस भाग में मत कम मिले हैं उस भाग में मत कैसे बढ़ाए जाए इस पर विचार किया जाएगा। वह आज मावल लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर है, उन्हें मावल लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। जावड़ेकर ने यह भी कहा कि भविष्य में मावल लोकसभा क्षेत्र में भाजपा सांसद होंगे। उन्होंने कहा हम राज्य की 48 में से 48 सीटें जीतेंगे। जावड़ेकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्यसभा की जीत के बाद अब गुप्त मतदान होने की वजह से विधान परिषद की सभी सीटें जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी यह 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है, इस वजह से हमें यह जीत हासिल हुई है। आमदार ठाकुर यांनी सांगितलं, मी आता मावळ लोकसभेच्या दौऱ्यावर, असे कार्यक्रम देशभर चालू होते, भारतीय जनता पार्टी अधिक मजबूत करायचा, यासाठी बूथ सशक्तीकरण अभियान आमचं चालू होतं, म्हणजे जिथे कमी मतं पडली तिथे मतं कशी वाढवायची, त्या त्या बूथमध्ये जाऊन त्याचं आम्ही प्लॅनिंग करतो। आपल्याला माहिती आहे भाजप हा 24 तास चालणारा पक्ष, काम करणारा पक्ष, आणि 24 तास काम करत असल्यामुळेच आम्हाला आज हे सफलता मिळाली की आणखी वाढावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत राहतो आणि सगळ्यांचा विश्वास संपादन करणं आम्हाला खात्री आहे। मी काल उरण तालुक्यातही गेलो होतो, आजही आता पनवेल तालुक्यात गेलो, तर पूर्वी वेगळ्या पक्षांना मतं देणारे मोठ्या संख्येने लोक आता मोदींच्या मागे उभं राहायला तयार आहे आणि उभेही राहू लागले। याचं कारण मोदींचा विकास कार्यक्रम हा सगळ्या जनतेपर्यंत पोहोचला, मग गरीब आवास योजना असो, शहरी आवास योजना असो, टॉयलेट असो, उज्ज्वला गॅस असो, जनधन अकाउंट असो, विमा असो, शेतकऱ्यांना मिळणारे पैसे असो, प्रत्येक बाबतीमध्ये वॅक्सिन फुकट दिलं, 195 कोटी झाले वॅक्सिन सरकारने मोफत दिलं, आणि माझं पहिलं आव्हान राहील की बूस्टर डोस ज्यांनी घेतला नसेल त्यांनी घ्या, कारण मुंबईमध्ये पुन्हा कोरोनाच्या केसेस वाढत आहेत, आपल्या स्वतःला त्रास होऊ नये म्हणून मोदींच्या मोफत वॅक्सिन योजनेचा फायदा घेऊन आपण बूस्टर डोस घेतला पाहिजे। आमचे 303 खासदार आहेत, ते आपापल्या मतदारसंघामध्ये असे कच्चे बूथ किती आहेत जिथे कमी मतं पडली तिथे ते काम करत आहेत, आणि प्रत्येक 100 राज्यसभेचे आमचे खासदार आहेत। में आम आदमी पार्टी की ओर से आंदोलन किया गया। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि 11 साल पहले नागपुर में OCW कंपनी लाई गई थी और इसका यही उद्देश्य था कि सभी के घरों में सातों दिन 2400 घंटों तक पानी पहुंचाया जाए, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च हो जाने के बावजूद नागपुर के लोगों को पानी नहीं मिला। महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री ने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर पानी के लिए आंदोलन किया, लेकिन नागपुर में टैंकर माफियाओं का राज चल रहा है। 15 सालों से बीजेपी की सत्ता थी लेकिन जनता को पानी नहीं मिला। अब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, जिसके बाद अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो जनता को 15,000 लीटर पानी दिया जाएगा। इसी के साथ हर घर में नल से पानी जाए इसीलिए पाइपलाइन की व्यवस्था की जाएगी, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। वंदे मातरम। वंदे
आपणास माहित आहे की 11 वर्षापूर्वी नागपूरला OCW कंपनी आणली गेली होती आणि या कंपनीचा उद्देश एकच होता की प्रत्येक घरी 24 तास पाणी पोहोचवायचं 7 दिवस. परंतु करोडो रुपये खर्च करूनसुद्धा नागपूरच्या जनतेला पाणी मिळालेलं नाही. जेव्हा की नागपूरचे माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्रभर फिरून पाण्याचं आंदोलन करतायत, परंतु नागपूरमध्ये जे टँकर माफियांचं राज आहे, 15 वर्षापासून BJP ची सत्ता होती तरीही लोकांना पाणी मिळालं नाही. नागपूरचे 5 वर्ष मुख्यमंत्री होते आणि केंद्रात पण आमच्या नागपूरचे मोठे मंत्री आहेत. 84,000 करोड रुपये नागपूरला आणले म्हणतात, परंतु लोकांना जर पाणी मिळत नसेल तर यापेक्षा दुसरं दुर्भाग्य आमच्या नागपूरचं नाही आहे. आणि आम्ही आम आदमी पार्टी आता यानंतर निवडणूक लढतो आहोत आणि या निवडणुकीनंतर आम्ही जनतेला निवडून आल्यास दर महिन्याला 15,000 लिटर पाणी मोफत देणार आहोत. सोबतच प्रत्येक घरी नळानी पाणी जाईल यासाठी पाईपलाईनची व्यवस्था करणार आहोत. कंपनीच्या माध्यमातून जो भ्रष्टाचार होत आहे ते ऑडिट केला जाईल आणि जे लोक दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. हे आजचं आमचं नागपूरच्या जनतेला प्रॉमिस होतं. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बार बार उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. स्वागत है. केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की. हालांकि इस योजना के तहत वे 4 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होंगे, इसलिए सेना ने भर्ती होने वाले बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है. स्वाभिमानी किसान संगठन के विदर्भ प्रमुख दामू अन्ना इंगोले ने वाशिम में केंद्र सरकार को तुरंत ये योजना रद्द कर फिर से भर्ती शुरू करने की मांग की है. भारत सरकारने जी योजना लावलेली आहे TOD म्हणून, ते फक्त आणि फक्त 4 वर्षाची आहे. ते योजना भारत सरकारनं मुलांच्या खूप म्हणजे खूप अशा अडचणी मुलांपुढे निर्माण केलेल्या आहेत आणि ते TOD योजना जी आहे ते फक्त 4 वर्षासाठीच आहे. जी पहिले भरती होत होती भारतीय आर्मी इंडियन आर्मीची, ते 17 ते 21 पर्यंत होती. तर आणि जे सैनिक रिटायरमेंट होत होते ते पूर्ण 15 ते 17 वर्ष सर्व्हिस करत होते. आणि जे सध्याची जी योजना आहे TOD योजना, ते फक्त 4 वर्षासाठी आहे. त्यातले 75% सैनिक बाहेर जाणार आहेत आणि 25% सैनिक
परमनंट राहणार आहेत. जर ती योजना जी आहे ती सरकारने लवकरात लवकर वापस घ्यावी आणि मुलांची जे 2 वर्ष आहेत ते वाढून द्यावे. भारत सरकारने जी TUT योजना चालू केली ही सहसा चुकीची आहे, कारण यामध्ये मागची जी योजना होती आपण जे मागची इंडियन आर्मीच्या भरती घ्यायचे त्यात असं होतं की आपण पहिले फिजिकल द्यायचो त्यानंतर एक्झाम व्हायचे. आता तसं काही नाही, कारण TUT नंतर 4 वर्ष सर्व्हिस, जर आपल्याला 6 महिने ट्रेनिंग देत आहे तर उरलेले 3.5 वर्षात काय होणार आहे, पण पहिले प्रॉपरली आपल्याला ट्रेनिंग भेटणार नाही आणि आपल्याला प्रॉपरली नॉलेज भेटणार नाही त्यामध्ये TUT मध्ये. जे आपण आता पहिले 9 महिने जे ट्रेनिंग घ्यायचो त्यात आपल्याला प्रॉपरली नॉलेज भेटायचं आपण कसं युद्ध करायचं त्याच्यात. आणि मान्य आहे की समजा तुम्हाला युवा हे करायचं आहे, तुम्हाला सैनिकांची पेन्शन काढून टाकली, पेन्शन काढायची तुमच्याकडे राजनीतीवाले आहे, आमदार आहे, खासदार आहे, ते तरी तुझं मरायला येणार आहे. मरायला तर सैनिक जाताना मग त्यांचा विचार करायला पाहिजे सरकारने. जे TUT ही सरासर चुकीची योजना आहे, कारण याच्यात सैनिक आम्ही स्वतः आता त्यांनी TUT मध्ये असं केलं की बाबा 4 वर्षाची सर्व्हिस ठेवायची आणि फक्त भरती घेऊन एक्झाम घ्यायचा नाही, तर आम्ही अगोदरच्या भरती दिलेल्या आम्ही 17 वर्षापर्यंत भरतायचा त्यात आम्ही एक्झाम दिलेल्या, आम्ही एक एक मार्गाने घडलेलो, आमचा त्या एक्झामचा काय फायदा, आमचा ते नॉलेजचा काय फायदा, मग आम्ही ते रात्रभर जागलेलो आहे 1600 मारण्यासाठी तिथं गेलेलो आहे त्याचा काय फायदा. जर तुम्ही आम्हाला आम्ही काय MLA थोडी की आम्ही MLA आहे का की आम्हाला फुकटमध्ये तुम्ही हे देत आहे, त्यांना पद द्या, आम्हाला नाही पाहिजे. आम्हाला आमचा एक्झाम आणि आमची जुनी जशी पद्धत होती तशी पद्धत पाहिजे आणि तिच्या 2 वर्ष वाढ, जे आमची कोरोनामुळे नुकसान झालेली आहे, जे मुलांची नुकसान झाले, कारण आम्ही 20व्या वर्षापर्यंत आम्ही कोणतीच कोणत्याच याची प्रॅक्टिस करू शकत नाही. आम्ही एकासोबत एकाच जॉबची प्रॅक्टिस करू शकतो, कारण आम्हाला इंडियन आर्मी आम्हाला देश सेवा करायची, आम्हाला कोणत्या राजनीतीवाल्याकडनं आम्हाला कोणत्याच राजनीतीवाल्याचा सपोर्ट नाही, हे आम्ही आमच्या भावनांनी बोलत आहे. कारण आम्हाला आमची जी भावना आहे देश सेवा करायची ती भावना बोलत आहे आमची, आम्हाला कोणत्या राजनीतीवाल्याच घेणं आहे. जर तुम्हाला असं वाटतं की तुम्हाला युवा पाहिजे भारतात तर राजनीतीमध्ये युवा ठेवा, त्यांना त्यांचं वय लिमिट ठेवा 18 वर्ष किंवा 18 वर्षानंतर मुलगा युवा तो युवाच राजनीतीमध्ये उतरू शकतो, त्यांना लिमिट ठेवा, त्यांना भक्ता कशाला देता, ते थोडी मरायला जातात, त्यांचा भक्ता कॅन्सल करा, इकडे सैनिकांना द्या ना, त्यांना भक्ता चालू असतो, ते आलिशान गाडीमध्ये फिरतात, आम्ही तिकडे मायनस डिग्री सेल्सिअसमध्ये तिथं मदणूक घेऊन राहता राहतो, वारा उधान काय पाहत नाही, आमच्या घरच्यांचा विचार करत नाही, आम्ही फक्त देशासाठी करतो. आम्ही देशासाठी आतापर्यंत जे मुलं फाशी घेऊन मेले त्यातला एकही राजनीतीवाला ज्यांना पद नाही भेटलं म्हणून तो मरू शकते का, आम्हाला दाखवा असं जर कोणी मरत असेल तर. आम्ही जसं करतो तसं कोणी करू शकता, कोणत्या राजनीतीला काही गरज नाही कोणाला पेन्शन द्यायची. तुम्हाला जर युवा ठेवायचा आहे तर ठेवा, राजनीतीमध्ये युवा ठेवा, आम्ही काही विरोध करत नाही, पण ही TUT ही सरासर चुकीची योजना आहे, एकदम चुकीची. केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को रद्द करने की अपनी मांग को लेकर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया. इस दौरान 0 माइल्स चौक से लेकर संविधान चौक तक रैली निकाली गई. संविधान चौक पर कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोकने का भी प्रयास किया. अग्निपथ योजना देश के युवाओं को गुमराह करने वाली योजना है और इस योजना को रद्द करने की मांग कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुणाल राउत ने की है. इस दौरान कई आंदोलनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया. जिस प्रकार से हिंदी या मराठी, जिस प्रकार से ये केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम लेके आई है, ये हम युवाओं के लिए धोखा है. जो युवा सेना में अपनी सर्विस करना चाहता है वो देश प्रेम के लिए जाता है, कोई पैसे के लिए नहीं जा रहा है, कोई नौकरी के लिए नहीं जा रहा है, वो देश प्रेम के लिए हमारी सेना में ज्वाइन होता है. वो ये मानता है कि मैं वहाँ पे जाके अपने लोगों को, अपने देशवासियों को वहाँ पे सुरक्षित रखूँगा. लेकिन जिस प्रकार से इनने ये अग्निपथ स्कीम लेके आए हैं जिसमें 4 वर्ष ही बस युवाओं को वहाँ पे शामिल होने के लिए बोला गया है, ये 4 वर्ष में युवा क्या करेगा? उसके बाद अगर एक बार नौकरी लगने के बाद उसकी पूरी सर्विस खत्म होने के बाद उसके बाद उसका क्या भविष्य रहेगा? 23 साल में आप उसको ले रहे हैं भले, लेकिन 27 साल के बाद उसका क्या होगा इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है. ये सरकार 3 दिन से देख रहा हूँ, 3 दिन से ये देश आग लगी हुई है पूरे देश. लाभदायी स्कीम बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या बोलेंगे? फिर देश क्यों नाराज है? हर जगह पे क्यों ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं? यहाँ पे देश में जिस प्रकार से बिहार में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, उत्तराखंड चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, हम भी यहाँ पे जो महाराष्ट्र की बटालियन है, जो महार बटालियन है, जो महाराष्ट्र से जितने बटालियन आते, जो हमारे इधर यहाँ पे कितने दिनों से जो 2020 का
20 में जो भर्ती हुए उन लोगों को अभी तक नहीं लिए थे, वो यहीं पे बैठे थे, यहाँ से उठ के पैदल गए वो दिल्ली के लिए, अभी तक वो भर्ती नहीं किए, ये क्या स्कीम लेके आएंगे? इससे ये युवाओं को भटकाना चाहते हैं, जो युवा इस जो देश की सेवा के लिए, जो देश के लिए जान अर्पित करने के लिए वो वहाँ पे जाता है, कोई पैसे के लिए वो वहाँ पे नौकरी करने नहीं जाता है, और ऐसे चीज़ों के लिए हम उसके खिलाफ है। हमारी मांगनी यही है कि ये स्कीम इन्हें रद्द करनी चाहिए। देश के सब आज हमारा ये मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से अग्निपथ स्कीम को खारिज करने के लिए रखा गया है। ये स्कीम में जो सरकार बोल रही है कि 46,000 नौकरियां 4 साल में वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में देगी, पर 4 साल के बाद इसका क्या, 4 साल के बाद इसमें से सिर्फ 20-25% लोग आगे सिलेक्ट होंगे, तो फिर बाकी बचे हुए 75% लोगों का क्या? मतलब 46,000 में से 11,000 लोग आगे जाएंगे, 35,000 लोग क्या करेंगे? उनका जो करियर का सबसे मेन टाइम रहता है, जो 4 साल रहता है 18 से 22 के, आप उसमें उनको आर्मी की तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद वो क्या, वो तो अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे ना। तो इसके खिलाफ हम सरकार से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये स्कीम अपने रद्द की जाए, क्योंकि ये सिर्फ वो 11,000 लोगों के भविष्य का सवाल नहीं है, ये सवाल ये चीज़ का कि जो लोग 5-10 साल से मेहनत करते आ रहे हैं, उम्र के 10-11 साल से लोग आर्मी में जाने की आशा रखते हैं, उस प्रकार उस चीज़ से मेहनत करते हैं, उनका क्या? अगर कोई वो 25% में सिलेक्ट नहीं हो पाया मेहनत करने का, उसका क्या? वो तो टूट जाएंगे, वो आगे फिर क्या करेंगे? 22 साल के बाद आप कैसे क्या नए फील्ड में जा सकते हैं, कैसे क्या नया करियर कर सकते? तो हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं सरकार से कि आप ये स्कीम रद्द करें। नागपुर शहर में हुड़केश्वर पुलिस थाने अंतर्गत दाखिल हुए कुल 7 अपराधों का पता लगाकर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को हिरासत में लिया है। इसमें सेंधमारी तथा चोरी के अपराध भी दाखिल है। पुलिस ने कुल 4,22,000 का माल जब्त किया है। इन अपराधों में 14 से 17 साल के नाबालिगों का भी समावेश है। हुड़केश्वर पुलिस थाने अंतर्गत दाखिल हुए 7 अपराधों का पुलिस ने पता लगाकर 24 घंटे के भीतर आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस अपराध में सेंधमारी, कार चोरी, मोटरसाइकिल चोरी के अपराध शामिल है। इन अपराधों में 14 से 17 साल के नाबालिगों का समावेश है, जो हैरान कर देने वाली बात है। यह सब मध्यम कुटुंब वर्ग से है। इस जांच में पुलिस ने एक लैपटॉप, सिगरेट के पैकेट, एक कार, 3 मोटरसाइकिल और मोबाइल, ऐसे कुल 4,22,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। इसमें पुलिस की 2 टीम ने मिलकर काम किया है। आमच्याकडे 16 तारखेला छोट्या छोट्या पण 3 घरफोड्या झालेल्या होत्या आणि त्यावर आम्ही लगेच कारवाईला सुरुवात केली, तर आमच्या लक्षात आलं की ह्याच्यामध्ये जे आहेत ते सगळे नाबालिग मुलं आहेत। याच्या व्यतिरिक्त 15 दिवसांपूर्वी 3 आठवड्यापूर्वी एक मोठी गाडी 4-व्हीलर चोरी गेली होती, त्यामध्ये पण नाबालिग बालक असल्याची आम्हाला माहिती मिळालेली होती। तर त्यांचा पूर्ण पाठपुरावा करण्यात आला आणि स्पेसिफिकली 16 तारखेच्या 3 घरफोड्या या आम्ही 24 तासामध्ये त्याला डिटेक्ट केलेलं आहे। त्या व्यतिरिक्त आणखी एक घरफोडी त्यांच्याचकडून झाल्याचं आम्हाला कळलेलं आहे। तर म्हणजे 4 घरफोड्या आम्ही डिटेक्ट केलेल्या आहेत आणि 2 मोटर वाहन चोरीच्या आणि 1 4-व्हीलरच्या चोरीची आम्ही गुन्हे डिटेक्ट केलेले आहेत। ह्याच्यामध्ये 2 वेगवेगळे ज्युवेनाईल्सची टीम आहेत, एक घरफोडीच्या ह्याच्यामधली एक टीम आहे जी मोटर व्हेकल्सच्या ह्याच्यामध्ये पण आहे आणि 4-व्हीलरच्या ह्याच्यामधली एक टीम आहे आणि हे सगळे फक्त 14 ते 17 वर्षाच्या वयाचे मुलं आहेत। यातील एक आरोपी जो आहे, जो पूर्वी पण आम्ही एका गुन्ह्यामध्ये तो ज्युवेनाईल असल्यामुळे आम्ही त्याला अटक वगैरे करू शकत नाही, तर पण पूर्वीच्या पण एका गुन्ह्यामध्ये तो निष्पन्न झालेला होता आणि या संपूर्ण गुन्ह्यामध्ये आपण 4,22,000 जवळपासचा माल जप्त केलेला आहे। त्याच्यामध्ये लॅपटॉप आहेत, सिगारेटच्या पान शॉपीमध्ये झालेली होती तर त्या सिगारेट्स आहेत, मोबाईल चोरी झालेली होती तर मोबाईल आहे, जसं मी मगाशी म्हणाले की एक मारुती ओमनी होती ती आपण जप्त केलेली आहे, 2 मोटर व्हेकल्स 2-व्हीलर्स जे आहेत ते आपण जप्त केलेले आहेत। ही बाब खूप महत्त्वाची आहे की 14-15 वर्षाचे मुलं 2-व्हीलर किंवा 4-व्हीलर चोरून नेत आहेत, याकडे ही बाब आणि गंभीर पण आहे की घरी तुम्ही तुमच्या मुलांना गाडी चालवू देता, विदाऊट लायसन्स गाडी चालवू देता, ते पहिले स्वतःची किंवा मित्राची गाडी चालवतात, नंतर त्यांच्या भावा बहिणींची गाडी चालवतात आणि अशा प्रकारे मग त्यांना ती चालवण्याचा कॉन्फिडन्स येतो आणि विदाऊट परवाना, विदाऊट हे, ते कुठलीही गाडी कुठेही नेऊन ठेवतात आणि त्याच्यामध्ये मग चोरीच्या याच्यामध्ये पण त्यांना एकदम कौशल्य प्राप्त होऊन जातं। मेजॉरिटी तुम्ही जर का बघितलं तर हे सगळे फॅमिलीज जे आहेत, ज्याला हे बिलॉंग करतात, ते लोअर मिडल क्लासचे लोक आहेत ज्यांना रोजच्या जीवनाकरता बरंच श्रम करावे लागतात, बरंच स्ट्रगल, आई पण काम करत असते, खूप स्ट्रगल करत असतात मुलांना मोठं करण्याकरता, त्यांची ही असते अपेक्षा असते की मुलांच्या शिक्षणाकरता पैसा कमी पडायला नको, पण त्यामुळे त्यांचं मुलांकडे दुर्लक्ष होतं किंवा त्यांना ते सगळ्या ह्याच्यातून अवधानातून त्यातून
खूप लक्ष देणं शक्य होत नाही आणि अशा याच्यामध्ये हे मुलं चोऱ्या करताना किंवा चुकीच्या कामामध्ये इन्वॉल्व्ह झालेले लक्षात येतात. नागपूर में ईडी और सीबीआई द्वारा राहुल गांधी की हो रही जांच के विरोध में समता नगर ऑफिस से तथागत चौक तक मशाल मोर्चा निकाला गया. इस वक्त बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए. आज आम्ही हा मोर्चा आमचे नेते राहुल गांधी यांना ईडीच्या चौकशीबद्दलचे निषेधार्थ आम्ही काढलेला आहे. मशाल मोर्चा त्यागाबद्दल आणि स्वातंत्र्याच्या लढ्याबद्दल, त्यागाबद्दल, बलिदानाबद्दल सर्वात अगोदर गांधी परिवार राहते. गांधी परिवाराला ईडीबद्दल, त्यांच्या ईडीबद्दल गैरप्रवृत्तीनं चौकशी केल्याबद्दल निषेधार्थ आम्ही सगळे हे मशाल मोर्चा सुगत समता नगर पासून सुगत नगर इथे आणलेला आहे. तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.